हम लोग अभी चांदनी चौक की ये जो मेन रोड है यहाँ पे खड़े हैं और आप लोग देख रहे हैं कि पूरे इस चांदनी चौक के मेन एरिया का पुनर्विकास रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे एरिया को इतना खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी जगह है और इसकी पुरानी ऐतिहासिक जो ग्लोरी है उसको वापस लाया जाएगा, इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो सुबह से रात तक, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये नॉन मोटराइज्ड व्हीकल एरिया रहेगा जिसमें बहुत हम उम्मीद करते हैं टूरिस्ट्स भी आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे और तो उम्मीद है कि ये बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक शुरू हो जाएगा। वैसे मई में शुरू होना था लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक ये शुरू हो जाएगा। ये लागत कितनी है कि सीएम साहब, लागत कितनी है? क्योंकि पहले 76 करोड़ था, अब क्या कुछ बढ़ा हुआ है? लागत अब बढ़ के थोड़ी सी 90 करोड़ हो गई है। सर, इंडिया टुडे आज तक ने एक इन्वेस्टिगेशन करी है कि दिल्ली में लोग जो है वो प्लाज्मा को बेच रहे हैं, 5 लाख से 50 हज़ार रुपए तक प्लाज्मा जो है वो बेचा जा रहा है। क्यों बेच रहे हैं वो लोग? फ्री में दे रहे हैं हम प्लाज्मा। हमारा ILBS में अब स्टॉक 500 से ज्यादा का हो गया है, जो जा रहा है उसको हम फ्री में दे रहे हैं, तो फिर कोई क्यों खरीद रहा है और क्यों बेच रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी जांच होनी चाहिए इसको लेकर के, जो इन्वेस्टिगेशन हमने करी है। नहीं, जांच करेंगे हम, लेकिन मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जब जो चीज आपको हम फ्री में दे रहे हैं वो आप हजारों रुपए दे के क्यों खरीद रहे हो? जब ILBS में हम फ्री में दे रहे हैं, अब इधर हमें LNJP में भी खोल दिया, ILBS में हमारा प्लाज्मा का स्टॉक 500 से ज्यादा है और सारा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, तो फ्री में लो ना जाके। अरविंद, राम मंदिर में सब सीएम को इनवाइट किया जा रहा है जब उनका स्टोन रखा जाए, अब आप भी जाएंगे क्या 5 अगस्त कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया अभी तक। किया जाएगा तो जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। और इस टाइम तो मैं यही कहूंगा भी सबकी जान बचे, कोरोना से सबको मुक्ति दिलाएं।